हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 1 एंड 2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन 1 में है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। दो चीज़ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो गिवन है मेरे पास, गिवन डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया, डायमीटर का हाफ होता है 10.5 बाय 2 हो गया, ये हो गया 5.25। इसको अगर फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो 5.25 बाय 100 हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। स्लैंट हाइट L है 10 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पाई आर एल, इसमें वैल्यू डाल देंगे, पाई का 22/7, आर का 5.25/100, और ये एल है 10, ये 0, ये 0 कैंसिल हो गया। अब 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 2, 5 से करेंगे तो 1, 2 में नहीं लगा 0, फिर 25 हो गया, ये 5, और इसको 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचा, तो ये हो गया 5, 35 हो गया, तो 7 5 जा, ये हो गया, ठीक है। अब 2 से इसको कर देंगे तो ये हो गया 11, तो अब मेरे पास बच गया 11 × 15, ये हो गया 11 5 जा 55, 11 और 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया बनाए हम, अब इसमें कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है मेरा, कोई भी एक कोन है मान लीजिए, ये कोन है, तो ये हो गया स्लैंट हाइट, ये हो गया कितना 21 मीटर, और डायमीटर ऑफ इट्स बेस, ये बेस है, इसका डायमीटर है, ये कितना है 24 मीटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है, गिवन डी दिया हुआ है 24 मीटर, तो आर हो गया 24/2 इजकल टू 12 मीटर, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 मीटर, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हो जाएगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया होगा तो इसका लिख देंगे पाई आर एल, और बेस का ये सर्किल है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा एल प्लस आर, अब इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा 22/7, आर है मेरे पास 12, एल है 21 और प्लस 12, ये हो गया रेडियस, अब ये हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 33, ठीक है। इसको कर देंगे 12 से 33 को 22 से करेंगे, 22 3 जा 66, बचा 6, 22 3 जा 66 और 6, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है, 7 26 हो गया, अब रह गया 12/7, 12 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, हैंड में 7 रहा, 12 2 जा 24 और 7 31, बचा 3,
सेवन, ट्वेल्व जा 84 और 3 87 बाई 7। इसको अगर डिसिमल में करते हैं तो देख लीजिए, इसको डिसिमल में करेंगे 87, 12 को अगर हम 7 से करेंगे तो 1 टाइम लगा, ये 7 हो गया, 1 हो गया माइनस करने पर 7, ये हो गया 2 टाइम हो गया 14, ये हो गया 3, फिर 1 डालेंगे 4 टाइम हो गया 28 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 4 हो गया, तो ये 28 हो गया, ये फिर क्या हो गया 4 हो गया, 4 पर 0 डालेंगे 40 होगा, डिसिमल डालेंगे तो यहाँ 5 टाइम लगेगा, ये 35 हो गया, ये 5 हुआ, फिर 0 डालेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा 7 टाइम लगेगा 49। ठीक है, तो ये हो गया, ये कैंसिल नहीं हुआ, 5 7 हो गया डिसिमल के बाद, तो 1244.57 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक